दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। नाना ने की किसानों के लिए मुआवजे की मांग। जब से राज्य में फडणवीस सरकार आई है, तब से किसानों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष भी भारी बारिश की वजह से किसानों के मकान और फसलों की क्षति हुई है। ऐसे में सरकार ने फसल बीमा योजना का लाभ तुरंत देने की मांग की राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद नाना पटोले ने की है। भंडारा जिले में संततधार शुरू होने से किसानों की फसलों की नुकसान हुई है। कई गांव में मकान गिरे तो सैकड़ों मकानों में पानी घुसने से खाने पीने का सामान गीला होकर खराब हो चुका है। पूर्व सांसद नाना पटोले ने लाखांदूर तहसील के ग्राम वरील विरली बुज, विरली खुर्द, ईटा नांदेड़, दोनाड, खेरा मोहरना, गवराला, कुड़े गाँव का दौरा कर क्षतिग्रस्त किसानों से बात की। नाना पटोले ने जिसके मकान गिरे या पानी घुसने से क्षति हुई है, उन सब के नाम तहसीलदार को भेजने की सूचना दी। उन्होंने तहसीलदार महाले को भी ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की आपूर्ति और नगद मदद करने की सूचना की। इस दौरे में तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष भूमेश्वर महावड़े, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश देशमुख, तालुका सरपंच संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र पारधी, नगर पंचायत लाखांदूर के गट नेता रामचंद्र राउत, जिला परिषद सदस्य मनोहर राउत, प्रणाली ठाकरे, प्रदीप बुराडे, प्रकाश पाटिल देशकर, उत्तम भागड़कर, लेखराम ठाकरे, सुभाष खिलवानी, संजय कोहरी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। क्षेत्रों का दौरा किया और धान फसलों की और मकानों की भारी क्षति हुई है, लेकिन पता चला कि अभी तक प्रशासकीय सर्वे अभी तक हुआ नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बार 230 मिलीमीटर जो बारिश हो रही है, उसके परिणाम से किसानों की खेती भी खराब हो गई और कई लोगों के मकान भी उसमें नुकसान हुआ। और आज की तारीख में लखानपुर तालुक में ऐसी परिस्थिति है कि 25 तलाटियों की पोस्टिंग होने के बाद भी 15 तलाटी यहाँ पर है, जो सरकार की नौकर भर्ती की जो लापरवाही रही है 5 साल में, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके मकानों का नुकसान हुआ है, जिनके घर का पूरा अनाज खराब हो गया, बर्तन फेंके गए, मकान गिर रहे, तो ऐसे समय में तलाटी का तुरंत उसमें सर्वे होना चाहिए, उसका पंचनामा होना चाहिए और तुरंत उसको तहसीलदार ने मदद करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति की पटवारी की तादाद कम होने की वजह से वो रिपोर्ट जा नहीं सकता, और इसलिए आज लोगों को जो उनका अनाज खराब होने से उनके घर में खाने की भी नौबत आई है, प्रशासन ने और सरकार ने तुरंत, क्योंकि भुखमरी अगर जहाँ होती है, भुखमरी से कोई मरता है तो प्रशासन और सरकार के ऊपर उसमें FIR दर्ज होता है। इस देश में हमारा कानून ये कहता है कि देश में कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर गलती से प्रशासन की गलती से या सरकार की लापरवाही से अगर यहाँ पर अगर कोई बगैर अनाज से मर जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी एक्शन लेने की बात हम करेंगे। हमारी मांग है कि जिन लोगों के मकानों के नुकसान हुए हैं उनको तुरंत उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, क्योंकि 230 मिलीमीटर बारिश पहली बार इस एरिया में गिरी है, उसके लिए मकान उस लेवल के हमारे यहाँ के नहीं रहते, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ पे जो 40 मिलीमीटर या 65 मिलीमीटर बहुत हो गई, ये लेवल पे गिरती है, लेकिन पहली बार 200 मिलीमीटर बारिश गिरने की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस एरिया में होने की वजह से सरकार ने तुरंत इसमें उस जिन लोगों के मकान का नुकसान हुआ उसको मुआवजा देना चाहिए, और जिस किसानों की फसल खराब हो गई है, सोयाबीन है, कपास है, धान है, इसमें भी बड़े पैमाने में किसानों का नुकसान हुआ है और 100% हुआ है, और इसलिए तुरंत प्रशासन ने उसका सर्वे कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना है उसका लाभ देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जब से महाराष्ट्र में आई है, देश में मोदी की सरकार आई है, तो 5 साल से किसानों को दुष्काल के सिवा कुछ नहीं मिला, और 5 साल में किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा भी सरकार ने नहीं दिया। हमारी मांग रहेगी कि ऐसे समय में उस किसान को इस साल तो भी, क्योंकि 4 साल का तो पैसा
रिलायंस कंपनी जो अंबानी की है उनके घर में किसानों का पैसा देने का काम किया। ऐसे मुसीबत में किसानों को उनके फसल का नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी इंश्योरेंस के माध्यम से मिलना चाहिए, ये मांग हमारी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।